हाय, आज हम चीज केक विदाउट जेलेटिन कैसे बनाते वो सीखेंगे। चीज केक विदाउट जेलेटिन बनाने के लिए आपको एक बड़ा डार्क चॉकलेट चाहिए होगा, हंकर्ड जो हम 400 ग्राम कर्ड से बनाएंगे, मिल्क सॉलिड्स जो हम 1 लीटर के दूध से बनाएंगे, एक फ्रेश क्रीम पैकेट टेट्रा पैकेट 200 मिलीलीटर, शुगर 200 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 3 से 4 बड़े चम्मच, लेमन का जूस 4 से 5 टेबलस्पून। चलिए पहले डार्क चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर पर। तो पहले हम एक पतीला ले लेंगे, उसमें पानी उबालेंगे, उसके ऊपर एक और पतीला रखेंगे जिसमें हम डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डालेंगे और मेल्ट कर देंगे। अब हम मेल्टेड चॉकलेट को उन डिश में पोर करेंगे जिसमें हम चीज़ केक सर्व करेंगे, फिर हम इन्हें फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हंकर्ड बनाने के लिए प्रेफरेबली आप मार्केट का दही ले लीजिए, उसको एक पतले से कपड़े कॉटन के कपड़े में डालकर अच्छे से चारों कोने से बांधकर उसको सिंक के पाइप में लटका दीजिए, सो दैट उसका सारा जो पानी है वो ड्रेन हो जाए। मिल्क सॉलिड्स बनाने के लिए आपको 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क चाहिए होगा, उसको आप बॉयल कीजिए। बॉयल करते करते ही आप 2 से 3 बड़े चम्मच नींबू के रस उसमें डाल के कंटिन्यूसली उसको स्टर कीजिए। जैसे जैसे आप स्टर करते रहेंगे आपको आप देखेंगे कि मिल्क सॉलिड्स बन रहे हैं, और एक बार जब बन जाए कम्प्लीटली उसको ड्रेन करके आप उसे फिर आप ठंडा होने दीजिए और फिर बाद में आप फ्रिज में रख दीजिए। अब हम जेलेटिन के रिप्लेसमेंट के लिए जो बाइंडिंग एजेंट होगा चीज़ केक के लिए, अब उसके लिए हम 3 से 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के ले लेंगे, उसको आधे कप पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसको लो हीट में पकाएंगे 2 से 3 मिनट, जब तक लिए वो एक थिक पेस्ट ना बन जाए। आप एक बात का ध्यान रखें, चीज़ केक बनाने के लिए हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ठंडा रखना होगा, जैसे हंकर जब बन जाए तो उसको आप फटाफट आप फ्रिज में रख लीजिए, मिल्क सॉलिड जैसे रूम टेम्परेचर में हो जाए तो उसको आप फ्रिज में रख लीजिए, और फ्रेश क्रीम फ्रिज में ही रहने दीजिए, और कॉर्नस्टार्च पेस्ट को रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने दीजिए। हंकर्ड मिल्क सॉलिड्स, शुगर, कॉर्नफ्लावर पेस्ट, लेमन जूस 2 से 3 बड़े चम्मच, एक्सेप्ट फ्रेश क्रीम, सारी चीज़ों को अच्छे से आप ब्लेंड कीजिए और फिर आप एक बार चेक कर लीजिए। शुगर कम है तो थोड़ा ऐड कर लीजिए, अगर आपको लगता है खट्टा कम है तो 1 चम्मच लेमन का जूस और ऐड कर लीजिए। अच्छे से फिर सबको ब्लेंड कर लीजिए, फिर लास्ट स्टेप में आप फ्रेश क्रीम ऐड करके आप 30 सेकेंड्स ब्लेंड कर दीजिए। अब आप उन डिशेस में पोर कर लीजिए जिसमें हमने मेल्टेड चॉकलेट का एक लेयर बनाया था, और फिर आप फ्रिज में 4 से 5 घंटे सेट होने के लिए रख लीजिए। 4 से 5 घंटे के बाद आप चीज़ केक का लुफ्त उठा सकते हैं, धीरे धीरे काट कर आप खा सकते हैं। अरे सुनिए, जाते जाते जो सब्सक्राइब बटन जो लाल रंग का है उसे थोड़ा बेरंग करके जाइए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मैं आपके लिए इजी सिंपल रेसिपीज और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी।